नमस्कार प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10 और 12 के लिए ग्रामर पढ़ा रहा है, जो ग्रामर है उसमें पास्ट इंडेफिनिट, इससे हम अगली वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसके बाद में पास्ट कंटिन्यू पढ़ेंगे हम, पास्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट कंटिन्यू टेंस पास्ट कंटिन्यू टेंस की पहचान क्या है? सबसे पहले लिखेंगे पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आपको मिलेगा रहा था, कोमा रही थी, रहे थे, ये आपको मिल जाएगा तो आप तुरंत पहचान कर लेना कि पास्ट कंटिन्यू टेंस का वाक्य है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस नोट लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या आएगा? इंटरोगेटिव बाज वर्ब है वो आगे आएगी हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको पहचान क्या करना है? कह सकते हैं इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आपको मिल जाएगा, तो तुरंत पहचान करना है कि ये पास्ट कंटिन्यू टेंस का वाक्य है। फॉर एग्जाम्पल कुछ रूल है, रूल लिख देते हैं इसमें। इट मतलब वह होता है जो निर्जीव के लिए यूज होता है, सी मतलब वह होता है जो लड़की के लिए यूज होता है, ही लड़के के लिए, देट किसी का नाम, या इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता आई। आई का मतलब मैं होता है। इस टेंस में आई एक ऐसा है जिसमें जो मैं होता हूँ, जिस आई सब्जेक्ट है, जिसमें आई मतलब मैं तो सब्जेक्ट है, जिसके साथ में बाज लगता है। क्या लगता है? बाज। इसी का नाम या सिंगुलर कह सकते हैं, छोड़ो बाज लिख दो, क्या लगाएंगे? बाज। किसी का नाम होगा तो सब्जेक्ट के बाद में कर्ता के बाद क्या लगाएंगे? बाज। यू तुम, बी हम, दे वे एवं प्लूरल या बहुवचन के साथ में हम क्या लगाते हैं?
इतना आपको ध्यान रखना है, पहचान याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, और किसके साथ में बाज लगेगा और किसके साथ में बर लगेगा। आपको ये याद है तो आप ये मान लीजिए कि टेंस आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे, टेंस आपको बहुत सरल लगेंगे। कहते हैं टेंस बहुत कठिन होते हैं, समझ में नहीं आता है। बेटा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा किसमें क्या लगता है, किसकी क्या पहचान है। पेपर में आ जाता है आज वर्षा होती है, वर्षा होती है, पहचान पहचान कुछ है नहीं, इट इज रनिंग करके आ जाते हैं। ये पता नहीं कि इंडेफिनेट टेंस का वाक्य है कि कंटिन्यू का है। जब इंडेफिनेट का है तो ताती आ रहा भैया ताती थे और रा रही वाला बना के आ गए। फिर पेपर दे के आते हैं, हम तो पूरा सही करके आए सर, हमारे नंबर क्यों नहीं आए। अरे तुमने ढंग से नहीं पढ़ा उसको, उसमें ता था, इट रेंस आता, इट रेंस टूडे आता, आप आई इंजी लगाया है। अधिकतर बच्चे आई इंजी लगा देते, आई इंजी लगाए काम खत्म। बेटा आपको ध्यान रखना है किस टेंस का वाक्य है और कैसा है, आई इंजी लगाने से काम नहीं चलेगा। तो इसमें हम एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। मैं जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा था, अब पेपर में ऐसे आ गया तो आपको पहचान करना भी तो आना चाहिए। भैया यहाँ पर लिखा है रहा था, जब रहा था तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए सर ने हमें रहा था पढ़ाया था, रहा था, रहते रहते, वो कौन से टेंस का वाक्य था। ये वो भैया पास्ट इंडेफिनिट जो पास्ट कंटिन्यू टेंस है उसका वाक्य था, पास्ट कंटिन्यू का। तो जब पास्ट कंटिन्यू का था तो सूत्र जो फॉर्मूले है दिमाग में आना चाहिए। क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम है, सब्जेक्ट राम है। इसके बाद में पढ़ना, पढ़ना पढ़ना वर्ब है और पुस्तक ऑब्जेक्ट है। तो सूत्र में क्या होता है सब्जेक्ट राम लिखो पहले। इट सी डेट किसी का नाम, नाम है राम, क्या आएगा बाज। बाज के बाद में बाज वर्ब में से एक को लिख लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना को बोलते हैं रीड, क्या बोलते हैं रीड, परंतु यहां पर आई एन जी लगा है रीडिंग हो जाएगा। और पुस्तक को क्या बोलते हैं बुक बोलते हैं भाई, ये बन गया। इसी प्रकार इसका नेगेटिव बन जाएगा, इसी प्रकार क्या बन जाएगा इसका नेगेटिव, नेगेटिव क्या बनेगा राम लिखेंगे बाज लिखेंगे नोट लिखेंगे। बस बाज या भर के बाद में क्या लगाना है, बाज या भर के बाद नोट लगाना है, आपका बन जाएगा। रीडिंग बुक हो गया, ऐसे इंट्रोगेटिव बन जाएगा, बाज को आगे उठा के ले आओ, बाज राम रीडिंग बुक, और अंत में प्रश्नवाचक। एक बात का ध्यान रखना, यहां पर बच्चे स्मॉल आर बना देते हैं, स्मॉल आर नहीं आएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन कहती है कि अगर किसी का नाम होता है तो वो हमेशा कैपिटल ही आता है, पहला पहला लेटर क्या आएगा, पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही आएगा। इसके बाद में अगला एग्जांपल कर लेते हैं हम, आज वर्षा हो रही थी, आज वर्षा हो रही थी, क्या है आज वर्षा हो रही थी। जब आज वर्षा हो रही थी तो भैया आपको ये पहचान करना है रही थी, पास्ट कंटिन्यू टेंस का वाक्य है। और मैंने बताया था कि जो
निर्जीव होता है उसके साथ में क्या लगता है, इट लगता है। इट को आगे लिखेंगे, वर्षा में जान होती है नहीं होती है, इट लगेगा। इट सी डेट रूल, इट सी डेट किसी का नाम है तो क्या लगाएंगे, बाज, क्या लगाएंगे, बाज। और वर्षा होने क्या बोलते हैं, रेन, क्या लग जाएगा, आई एन जी। और आज मतलब क्या होता है, टुडे, ठीक है। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना लेना। दूसरा है, मैं बाजार जा रहा था, यहां पर क्या है, रहा था, तो बन जाएगा सिंपल है आई रहेगा, परंतु आई को ध्यान रखना, बहुवचन में मत कर देना, प्लूरल में मत कर देना भैया, क्योंकि पास्ट कंटिन्यू टेंस में मैं बाजार जा रहा था, मेरे साथ 15-20 सुर जा रहे थे, एक वचन है इसमें, इसमें क्या है, इस वाक्य इस टेंस में आई मतलब मैं है वो सिंगुलर होता है, आई के साथ में क्या रहेगा, वाच। और जाना को बोलते हैं, क्या बोलते हैं जाने को, गो और आई एन जी गोइंग। आने जाने के लिए किसका यूज, टू का, कहाँ जा रहा है, मार्केट, ठीक है। इस प्रकार से आप बुक में से काफ़ी एग्जांपल कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक ज़रूर करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जो सब्सक्राइब में लाल लिखा होता है ना उसको दबा देना, दबाने के बाद में जो सबसे ऊपर का चिन्ह आता है उसको दबाना, ताकि हम जितनी भी वीडियो आपको बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।